Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete newspaper analysis for 16th of December 2019. 16 December 2019 ka newspaper analysis shuru karenge. Before we start, those who want to join the current affairs STEMS portal, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो. लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में दी हैं, आप वहाँ से टेम्स पोर्टल को ज्वाइन कर सकते हैं. डेली हिंदू की नोट्स वहाँ पे अवेलेबल रहती है, आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. यू कैन कॉपी पेस्ट एंड मेक योर ओन नोट्स आउट ऑफ दैट. वहाँ पे PIB और इंडियन एक्सप्रेस भी अपडेट होता है, डेली अपडेट होता है, सो यू कैन गेट अ होल्ड ऑफ दैट फ्रॉम देयर. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. AIIB के रिगार्डिंग स्टेटमेंट से आपको बताना कौन सा सही कौन सा गलत. फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग AIIB हैज मोर देन 80 मेंबर नेशंस. सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ AIIB. थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया, एशिया के बाहर कोई मेंबर नहीं है. तो दीज आर द थ्री स्टेटमेंट्स, आपको बताना कौन सा सही है कौन सा गलत. वन ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन एंड थ्री ओनली, वन टू एंड थ्री. क्वेश्चन नंबर टू इज, हु हेड्स द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी. कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को हेड कौन करता है. ऑप्शन आर ए होम मिनिस्टर, बी डिफेंस मिनिस्टर, सी प्राइम मिनिस्टर एंड डी डिफेंस सेक्रेटरी. क्वेश्चन नंबर थ्री इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सब इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स. तो वर्ल्ड बैंक का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है, उनमें से इनमें से क्या उसके अंदर नहीं है, जो 10 पैरामीटर है. फर्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, बी पेइंग टैक्सेस, सी रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, डी डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स. सो दीज आर द थ्री क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं न्यूज एनालिसिस की. लेट्स सी, जस्ट दे देता हूँ कि क्या क्या हम पढ़ेंगे. तो क्लाइमेट डील के बारे में पढ़ेंगे, जो अभी रिसेंटली अभी क्लाइमेट समिट हुआ मैड्रिड में, लेकिन कोई डील वहाँ पे नहीं हो पाई, तो उसके बारे में जानेंगे कि इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट. सिटीजनशिप लॉ तो रोज ही आ रहा है, एक बार फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद हम आएंगे आगे और बात करेंगे एक फास्ट टैग में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को देखेंगे. कल से इंप्लीमेंट हुआ है ऑल ओवर द कंट्री, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई. NGT के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, CRPF के बारे में बात करेंगे, मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम जो आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, तो उसमें किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं और कौन कौन एक्सक्लूड हो रहा है, किस रीजन से एक्सक्लूड हो रहा है, तो वो हम बातें करेंगे यहाँ पे. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द अजंता एंड एलोरा. अजंता एलोरा के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ बेसिक फैक्ट्स जो आपको स्टैटिक के लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए. ओके, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फास्ट टैग की, व्हाट इज़ फास्ट टैग, क्या है, कैसे है, क्या नहीं है. देन इसके बाद हम वंदे भारत एक्सप्रेस, अगेन कल भी न्यूज़ में था, बात करेंगे. उसके बाद FCRA के हम नॉर्म्स के बारे में जानेंगे, FCRA क्या है, FCRA का नॉर्म क्या है. देन एक एंड्रॉयड को अटैक करने वाला साइबर अटैक का एक नया बग मिला है, जिसको स्ट्रैंड हॉग बोलते हैं, उसके बारे में बताऊंगा आपको. चार एडिटोरियल्स हैं जिसमें हम सिटीजनशिप पे है, एक तो बोरिस जॉनसन में है, देन इनकाउंटर के ऊपर है, एक जो पासपोर्ट में लोटस का सिंबल आया था उसके ऊपर है, एंड ये हम चीज़ें डिस्कस करेंगे इन द एडिटोरियल सेक्शन. और फिर फाइनली हम बात करेंगे RTI की, बात करेंगे RTI की बात के बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से जजमेंट्स हैं जिनका यूज़ किया जा रहा है टू स्टॉप द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, कौन कौन से पुराने जजमेंट हैं जो कि डिस्क्रिमिनेशन को रोकते हैं, तो उनकी हम बात करेंगे वह फिर से. देन हम मिस वर्ल्ड टाइटल की बात करेंगे जो जमैका की टोनी एनसिंग को मिला है. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. तो काफी ज्यादा न्यूज आइटम्स हैं, लेट स्टार्ट वन बाय वन. सबसे पहली बात, वायलेंस हिट्स डेली ओवर द सिटीजनशिप लॉ. अब आप सबको पता है कि सिटीजनशिप लॉ क्या है, जस्ट एक जल्दी से क्विक रिवीजन करा देता हूं मैं आपका. सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल बेसिकली अमेंड क्या करेगा, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955. तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड करेगा. अब अमेंडमेंट में क्या क्या चीज़ें होंगी कि तीन कंट्रीज चुनी गई हैं, जो कंट्रीज कौन कौन सी है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश. तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश को सेलेक्ट किया गया है और छः कम्युनिटीज़ को सेलेक्ट किया है, जिसमें हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियन एंड सिख. ये छः कम्युनिटी के लोग रहेंगे, हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस एंड सिख. ये छः कम्युनिटी के लोग अगर इन तीन कंट्रीज से आ रहे हैं, कब तक आ रहे हैं, 31st December 2014, तो 31 दिसंबर 2014 तक अगर ये लोग आ रहे हैं, तो इनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, इनको इलीगल माइग्रेंट नहीं घोषित किया जाएगा. इलीगल माइग्रेंट घोषित करने के दो एक्ट थे, एक था पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1920, पासपोर्ट एक्ट 1920, दूसरा है फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946. तो ये भी याद रखेगा कि दो एक्ट थे, पासपोर्ट एक्ट 1920 एंड फॉरेनर्स एक्ट 1946. इन दोनों के तहत इलीगल माइग्रेंट घोषित किया जाता है, लेकिन अगर
वो तीन कंट्रीज से आ रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, और छह कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं, हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियन, सिख, तो उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, ना कि उनको इलीगल माइग्रेंट घोषित किया जाएगा। कट ऑफ डेट बता दी मैंने, 31 दिसंबर 2014 है, कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 है। इसके अलावा जो फैक्ट आपको रखना था वो बता दिया मैंने कि दो एक्ट्स थे जिनके थ्रू इलीगल माइग्रेंट घोषित किया जाता था, ठीक है। एक और चेंज ये किया गया कि पहले जो नेचुरलाइजेशन का टाइम पीरियड था इन सारी कम्युनिटीज़ के लिए वो 11 साल था, 11 इयर्स था, प्लस एक ईयर आपको कंटिन्यूएशन में रहना बिफोर मेकिंग द अपील। अब वो टाइम पीरियड जो 11 साल का था उसको घटा करके 5 इयर्स कर दिया गया, दिस टाइम पीरियड हैज़ बीन डिक्रीज टू 5 ईयर्स फॉर दोज 6 कम्युनिटीज़, है ना। तो ये भी आपको एक याद रखना, दीज आर द इंपॉर्टेंट इशूज़, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द सिटीजनशिप लॉ। नो डील एज द लॉन्गेस्ट क्लाइमेट टॉक्स एंड, तो अब ये हम बात कर रहे हैं मैड्रिड टॉक्स की। आप सबको पेरिस क्लाइमेट डील पता है ना, पेरिस क्लाइमेट समिट हुआ था, पेरिस क्लाइमेट समिट में डिसाइड हुआ था कि जो टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, और बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। अब हुआ ये कि COP 24, अभी रिसेंटली आपको पता है कि ये COP यानी कि जो कन्वेंशन ऑफ पार्टीज होता है, तो ये अभी मैड्रिड में हो रहा है, ओके। तो इट वाज गोइंग ऑन इन मैड्रिड। अब मैड्रिड में ये 12 दिनों तक चला, 12 दिन तक चला ये स्पेन में पूरा, बट इन द एंड कोई भी क्लाइमेट डील नहीं हो पाई। यहाँ पे एक चीज़ लिखी कि पेरिस अकॉर्ड जो है उसने गोल दिया था कि डिक्रीज करना है टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज को रोकना है अप टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेवल, एक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेवल पे रोकना है बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, मतलब कि जो 21st सेंचुरी एंड है होगी तब तक केवल 1.5 डिग्री तक रोकना है। लेकिन जो एफर्ट्स हैं और जो चल रहा है उसको देखते हुए लगता है कि 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज हो जाएगा, 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसके कारण बहुत ज़्यादा कंसिक्वेंसेज आएंगे। कंसिक्वेंसेज में आप सबको पता है कि बहुत सारे जो ग्लेशियर रीजन्स हैं वो पूरे पिघल जाएंगे, बहुत सारी जो वाटर बॉडीज हैं उनका वाटर लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जो कोस्टल कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा सबमर्ज होने का उनका चांसेस है। तो ये सारी इश्यूज होंगे बिकॉज ऑफ दिस, ओके। जो मैड्रिड में होना चाहिए था, जो इश्यूज होने चाहिए थे, फॉर एग्जांपल कि लायबिलिटी फॉर डैमेजेस कॉज्ड बाय राइजिंग टेम्परेचर, जो लायबिलिटी है वो किसके ऊपर जाएगी, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो कितना भार ढोएंगे और कितना वो एफर्ट्स भी लगाएंगे और कितना वो टेक्नोलॉजी प्लस मनी ट्रांसफर करेंगे, ये सारे जो इशूज़ थे ये अगले साल के लिए छोड़ दिए गए हैं। अगला जो सबमिट होगा वो ग्लासगो में होगा। अब ग्लासगो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री में आता है, ओके, व्हाट इज दिस ग्लासगो, वेयर इट इज़ देयर लोकेटेड, ओके। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, बट अगला जो सबमिट होगा वो ग्लासगो में होगा। सो दैट इज़ द important thing and it was an opportunity lost for the international community। Madrid में कुछ ऐसा कुछ बड़ा नहीं हो पाया, तो अगर आपके पास critically evolution critically analyze करने के लिए आता है ये question, ये जो कि GS3 का topic है, तो वहाँ पर आप ये सारे points ज़रूर mention करिएगा कि जो issues थे, जो differentiated responsibilities की बात होती है, shared but differentiated responsibilities, तो उसको developed countries ने नहीं उठाया और कोई भी डिसीज़न नहीं हो पाया बेसिकली। और अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोकना था तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए, और जो एफर्ट्स हैं वो 3-4 डिग्री तक टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, जिसका नुकसान किसे झेलना पड़ेगा, पूरी ह्यूमैनिटी को झेलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अपन बताएंगे उसमें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम, आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक वूज एट खेरकी टोल प्लाजा ऑन डे वन ऑफ फास्टैग इम्प्लीमेंटेशन। फास्टैग की बात तो मैं आगे करूँगा। ये तीन बेसिक इशूज़ थे जो कल देखने को मिले जब फास्टैग का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, 15 दिसंबर था। पहला जो इशू था वो था नॉन रीडेबल टैग्स का। बहुत सारे टैग्स जो गाड़ियों में लगे हुए थे देवर नॉन रीडेबल, मतलब उनको मशीन एक बार में कैप्चर ही नहीं कर पा रही थी। इस कारण से जो पहले इशू था कि लाइन लगती है तो लाइन और लग गई, जाम लग गया, बकायदा लाइन नहीं पूरा पूरा जाम आपको दिख रहा होगा, तो नॉन रीडेबल टैग्स था। दूसरा लो बैलेंस, बैलेंस लो था, कई टैग्स रिचार्ज नहीं थे, तो ये भी एक इशू था जिस कारण की गाड़ियों को खड़ा रहना पड़ा। देन व्हीकल्स इंटरिंग द रॉन्ग लेन्स, मतलब कि जो फास्ट टैग लेन्स है उसमें ना इंटर करके दूसरी लेन में घुस जा रहा है व्हीकल्स, है ना। तो ये सारे इशूज़ थे जो कि पहले दिन देखने के लिए मिले। अगर आपको फास्ट टैग्स के इम्प्लीमेंटेशन में कभी क्रिटिकल एनालिसिस लिखने के लिए आता है तो आप ये 3-4 पॉइंट मेंशन कर सकते हो जो इशूज़ है बेसिकली, ठीक है ना। तो यू कैन मेंशन ऑल दीज इशूज़। टैग्स की क्वालिटी पुअर है जो बैंक्स ने अभी मनाए हैं, तो ये सारे कुछ बहुत सारे इश्यूज थे जो कि हमको देखने को मिले। सो दीज वर द इश्यूज, आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड आपको थोड़ा पॉइंट्स मिल गए होंगे आंसर राइटिंग करने के लिए। अभी समय आप आंसर राइटिंग ज़रूर किया करिए। ग्रीन लॉज मस्ट फॉर रेलवे स्टेशन NGT, तो रेलवे स्टेशन जो कंट्री में हैं उनके लिए NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कहना यह है कि उनके लिए ग्रीन लॉज होने चाहिए बकायदा, उनके पास प्रॉपर आपके पास लॉज होने चाहिए एंड प्रॉपर एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जो कि स्टेशन को फॉलो करना चाहिए।
तो यहाँ पे बेसिकली जो हेड कर रहे थे जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हेड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है और जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981 का है, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो 1974 का है, ये तीनों रेलवे स्टेशन पे भी लागू होते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ पर लागू नहीं होते। और उन्होंने बात की कि इको स्मार्ट स्टेशन बनाने की बात की, मतलब कि इकोलॉजिकली स्मार्ट स्टेशन, मतलब कि जहाँ पर एमिशन कम हो और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ज़्यादा हो, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा। एनजीटी के बारे में आप सबको पता है कि एनजीटी की स्टैट्यूटरी बॉडी है। कई लोगों ने कई बार डाउट पूछा कि स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्या डिफरेंस है, तो एक बार फिर बता देता हूँ। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब वो बॉडी है जो लॉ के थ्रू बनी है, किसी एक्ट के थ्रू बनी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में ऑलरेडी मेंशन है उसके थ्रू बनी है ना। तो ये आपको याद रखना कि स्टैट्यूटरी बॉडी अलग से एक लॉ के थ्रू बनती है, जैसे एनजीटी, एनजीटी के लिए एक अलग से एक्ट बना है। वो एक्ट क्या है? एनजीटी एक्ट ऑफ 2010। तो एनजीटी एक्ट 2010 का है, उसके थ्रू ये एनजीटी बना, इस कारण से ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और कॉन्स्टिट्यूशन में एनजीटी के बारे में नहीं मेंशन्ड है, लेकिन वहीं पे अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इलेक्शन कमीशन की बात करें, तो इन सब के प्रॉपर आर्टिकल्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएंगे। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 148 कैग, 280 फाइनेंस कमीशन, तो ये सारे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी जो बॉडीज हैं ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होंगी। बट ये बॉडी जैसे एनजीटी हो गया, आपका सीवीसी हो गया, या आपकी इस तरह की कुछ बॉडीज हैं, ये आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर, आपको याद रखना है। एनजीटी एक्ट 2010 के थ्रू एनजीटी जो बॉडी थी वो बनी थी। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स है कि जैसे 1986 का इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है वो इस पर लागू होता है ना। लेकिन दो एक्ट है जो लागू नहीं होते, वो दो एक्ट बता देता हूँ जिसके केसेस एनजीटी में नहीं जाते हैं। वो दो केसेस, पहला है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एक है फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। तो यू कैन सी अ सिमिलैरिटी इन दैट 7227। तो 72 और उसका अल्टर 27, ये दो एक्ट इसमें लागू नहीं होते। कभी अगर आपको यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है प्रीलिम्स में, इनमें से कौन से एक्ट्स लागू होते हैं एनजीटी पे, कौन से लागू नहीं होते, तो याद रखिएगा कि अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का दिया है या फिर फॉरेस्ट एक्ट 1927 का दिया, तो वो दोनों लागू नहीं होते, उनके केसेस एनजीटी में नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ये भी पूछा जाता है कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट एनजीटी, इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री एनजीटी इंप्लीमेंट करने के लिए, अगर इस तरह का स्टेटमेंट आता है तो ये गलत है। इंडिया इज़ नॉट द फर्स्ट, इंडिया इज़ द थर्ड कंट्री टू हैव अ मैकेनिज्म लाइक एनजीटी। इंडिया थर्ड ऐसी कंट्री है, पहली कंट्री जो थी वो थी ऑस्ट्रेलिया, दूसरी कंट्री जो थी वो थी न्यूजीलैंड। तो फर्स्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया, दूसरी न्यूजीलैंड, दीज वर द टू कंट्रीज जिन्होंने की पहले एनजीटी मैकेनिज्म इन्वॉल्व किया। ओके सो ये भी बता दिया मैंने आपको। आगे मूव करते हैं, सीआरपीएफ डीआईजी अमंग टू किल्ड इन लैंडस्लाइड। तो सीआरपीएफ के जो डीआईजी, उनकी डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड, वो लैंडस्लाइड में फंस गए एंड इन दैट जम्मू कश्मीर रीजन में उनकी डेथ हुई। सीआरपीएफ के बारे में आपको बताता हूँ, सीआरपीएफ इज द लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इन इंडिया। सीआरपीएफ एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। 1939 में एस्टैब्लिश हुई थी अंडर द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस एंड 1939 में एस्टैब्लिश हुई थी एंड स्टैट्यूटरी इसको बना दिया गया था आफ्टर द सीआरपीएफ एक्ट ऑफ 1949। तो इसको भी स्टैट्यूटरी बनाया गया सीआरपीएफ एक्ट 1949 के थ्रू। 1939 में ओरिजिनली ये बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, ठीक है ना। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, 228 बटालियंस है, 300,000 से ज्यादा पर्सनल्स है। मेन फंक्शन इसका स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की जो पुलिस है उनको असिस्ट करती है फॉर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ओके, तो स्टेट्स की यूटीज की पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने में मदद करती है। मैटरनिटी स्कीम एक्सक्लूजनरी नीड्स बेनिफिट फॉर ऑल। अब यहाँ जो बात चल रही है वो चल रही है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में देखो क्या था, पहले एक पहले प्रोग्राम बनाया गया था इनमें कि पहले 6,000 रुपये का डिसीजन दिया गया था कि 6,000 रुपये अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। ओके, न्यू जो मदर्स हैं, जो नई मदर्स हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको 6,000 रुपये दिया जाएगा। दिस वॉज इन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है ना। अब बात समझते रहना, 6,000 रुपये डिसाइड किया गया था, ठीक है, अलग अलग टाइम पे। इसके बाद हुआ ये कि ये अनाउंस हुई थी दिसंबर 31st 2016 को, 31 दिसंबर 2016 को हुई थी। उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि अब इसमें 5,000 ही दिया जाएगा प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स को फर्स्ट चाइल्ड के लिए। मतलब बाद में एक महीने बाद डिसाइड हुआ कि 5,000 रुपये दिए जाएंगे प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स को फॉर द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। एंड ये जो 5,000 दिए जाएंगे ये तीन अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाएंगे जब अलग अलग कंडीशंस फुलफिल होगी। तो ये यहाँ पर ध्यान से जो मैंने हाईलाइट किया वो ध्यान से देखिएगा।
This would be disbursed in three installments upon meeting several conditionalities. जैसे कि आपने अपनी pregnancy को register किया हो, at least one antenatal checkup आपने कराया, मतलब pregnancy के बाद भी आपने कुछ checking, पहले आपने at least one checkup कराया हो, then you should register the child birth and उसके vaccinations proper हो. तो ऐसी conditions अगर आप fulfill करते हैं तो आपको 5000 रुपए दिए जाएंगे. 6000 का डिसाइड था, बाद में बोला गया 5000, और 1000 जो बाकी है वो दिया जाएगा एक दूसरी स्कीम में जिसको हम बोलते हैं जननी सुरक्षा योजना. ओके, जननी सुरक्षा. तो एवरेज जो था वो टोटल 6000 रुपए मिलना था, लेकिन फिर बोला गया कि मातृ वंदना के अंदर 5 मिलेगा प्लस 1000 जो है आपका इसका 6000 का, वो आपको एक अलग स्कीम जननी सुरक्षा योजना मिलेगा. तो कई लोगों को डाउट होता है, क्योंकि कई बार कुछ न्यूज़पेपर 5000 लिख देते हैं, कुछ न्यूज़पेपर 6000 लिख देते हैं. ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों ने भी पूछा है मुझसे कमेंट में कि सर 5000 एग्जैक्टली कि 6000. हिंदू भी कई बार अलग अलग लिखता है, लेकिन याद रखिएगा 6000 अनाउंस हुआ था, 5000 तो दिया जाता है तीन अलग अलग किस्तों में, बट 1000 जो है वो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत इसका दिया जाता है. ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा याद रखना है. अब ये एक्सक्लूजनरी क्यों है, ये जो न्यूज आइटम हमने पढ़ा, अब थोड़ा न्यूज देखो, मैं वही न्यूज समझाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट है. अब ये एक्सक्लूजनरी क्यों है, क्यों न्यूज में बोला जा रहा है कि एक्सक्लूजनरी है. सबसे पहली बात, इस स्कीम के अंदर एप्लीकेंट को अपना आधार डिटेल और अपने हस्बैंड का भी आधार डिटेल देना पड़ेगा. तो इस कारण से जो सिंगल वुमेन है, जिनके हस्बैंड्स हैं ही नहीं, जो अलग रहती हैं या जो अलग हैं, तो वो इस स्कीम से बाहर रह जाते हैं. जो विडोज़ हैं वो अपनी स्कीम से बाहर, क्योंकि उनके हस्बैंड का आधार कार्ड हो सकता है ना अवेलेबल हो, या हो सकता है कि वो अलग रहती हों तो अपने हस्बैंड का आधार कार्ड मतलब ना मुहैया करा पाएं. तो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न व्हाई दिस स्कीम इज़ एक्सक्लूजनरी, क्योंकि इसमें आधार कार्ड हस्बैंड का भी चाहिए होता है. दूसरी चीज़ कि इसमें क्या है कि जो न्यूली वेड ब्राइड्स हैं, ओके, अ मदर सीकिंग बेनिफिट नीड्स टू प्रोवाइड द प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ हर मैरिटल होम, अपने मैरिटल होम का एड्रेस देना पड़ता है. तो इसके कारण जो न्यूली वेड हैं एंड दे आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, जो कि अपने मतलब अपने मायके में रह रही हैं, नेटल होम्स में रह रही हैं, तो वो एड्रेस कैसे प्रूफ जनरेट नहीं कर पाती हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन ऑल्सो इट बिकम्स एक्सक्लूजनरी फॉर देम. तो ये दो ऐसे रीजन्स हैं जिस कारण से न्यूली वेड और जो डेजर्टेड और जो अलग रह रही हैं वाइफ्स, वो इस कारण से इसको नहीं कर पा रहे. एक और बहुत बड़ा इशू है कि बहुत ज़्यादा हैवी टीडियस डॉक्यूमेंटेशन होता है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन है. फॉर एग्जांपल, ओनली आपके फर्स्ट बॉर्न के लिए मिलेगा, दूसरा हस्बैंड्स का आधार कार्ड चाहिए, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं. और मतलब बता रहा हूँ मैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें एक्सक्लूड करता है, कैसे एक्सक्लूजनरी है. दो मैंने आपको रीज़न क्या क्या बताया, पहला तो न्यूली वेड के लिए बता दिया कि अगर अपने नेटल होम में तो एड्रेस प्रूफ नहीं कर पाती. दूसरा मैंने आपके लिए बताया कि जो डेजर्टेड वाइफ्स हैं, जो अलग रह रही हैं, जो जिनके पास हस्बैंड का एड्रेस आधार कार्ड नहीं है, तो वो तो ठीक है ना, वो आपका यहाँ कवर हो गया आधार कार्ड वाला. और दूसरा मैंने आपको बताया प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये वाला पॉइंट. अब एक और एक्सक्लूजन है कि ये केवल फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड के लिए मिलता है, पहले बच्चे के लिए मिलेगा, दूसरे किसी से नहीं मिलेगा, तो ये भी एक एक्सक्लूजन है. देन इसका मिनिमम एज जो है वो 19 ईयर्स का, बट अगर किसी महिला की 18 ईयर में शादी हो जाए तो क्या होगा, 18 भी तो शादी वैलिड है, तो मिनिमम एज जो है 19 ईयर्स है, 18 वालों को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है. देन फादर एंड मदर नीड टू गिव सेपरेट अंडरटेकिंग दैट द चाइल्ड इज द फर्स्ट लिविंग चाइल्ड ऑफ बोथ ऑफ देम. ओके, तो फादर और मदर का सेपरेट अंडरटेकिंग चाहिए कि उनका ये पहला जीवित बच्चा है. तो सपोज माँ का तो पहला हो, बट अगर किसी आदमी ने डिवोर्स देके दूसरी शादी की हो और उसका दूसरा बच्चा हो, तो फिर ये बहुत बड़ा एक टीडियस केस हो जाता है. ठीक है ना, तो ये सारे जो 6 पॉइंट हैं, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ एक्सक्लूजन फॉर दिस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट ऑल्सो, बहुत ज़्यादा आपको समझ में आ गया होगा. एंड ऐसी न्यूज़ आइटम्स इंपॉर्टेंट रहती हैं, अगर आपको कभी क्रिटिकल एनालिसिस आ जाता है GS 1-2 के अंदर कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का क्रिटिकली एनालाइज करो, या फिर किस तरीके से जो मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम्स हैं इंडिया में वो एक्सक्लूजनरी हैं, दिस कैन बी अ क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल आई कैन गिव यू अ क्वेश्चन दैट प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इज अ वेरी एक्सक्लूजनरी टाइप ऑफ स्कीम, कमेंट. ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग लिखो, कोशिश करो कि आप इसका आंसर करो. जो लोग पोर्टल में हैं वो कमेंट करें जरूर एंड अपने आंसर्स लिख के, और जो लोग चैनल में हैं तो चैनल में कमेंट करिए प्लीज़. आप प्लीज़ डू राइट दी आंसर, मैं पढ़ता हूँ भले मैं कमेंट करूँ या ना करूँ, अगर मुझे कुछ लगता है कि बहुत ज़्यादा गलत है तो मैं फिर ज़रूर उसमें कमेंट करता हूँ. एंड दैट इज़ द थिंग, सही आंसर्स पे ज़्यादा कमेंट मैं नहीं करता, लेकिन गलत है तो ज़रूर मैं आंसर उसमें करता हूँ. ठीक है ना, तो लेट्स सी आगे आप क्या करते हैं. नाउ अजंता एंड अलोरा शट विजिटर सेंटर सेट अजंता एंड अलोरा शट पेंडिंग ड्यूज, जो ड्यूज थे वो बचे हुए थे, पैसे नहीं चुकाए गए थे, इस कारण से अजंता अलोरा के जो विजिटर सेंटर हैं उनको बंद कर दिया गया है. अब यहाँ पे न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है अजंता एंड अलोरा. तो लेट मी टेल यू सम फैक्ट्स रिगार्डिंग अजंता एंड
अलोरा, ओके। तो अजंता एलोरा के बारे में थोड़ा इसका डिटेल में देखते हैं। लोकेशन की बात करें हम अगर अजंता एलोरा की, तो अजंता का जो लोकेशन है वो है नियर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, एंड अलोरा का है नियर नॉर्थ वेस्ट ऑफ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। टाइमलाइन की हम बात करें तो टाइमलाइन जो है बेसिकली वो सेकेंड सेंचुरी BC to 6th century AD तक है, और एलोरा की जो है वो 6th century AD to 10th century AD तक है, ठीक है ना। फिर नंबर ऑफ केव्स की बात करें तो नंबर ऑफ केव्स जो अजंता में है वो 29 है, 30 आपको बोला जाएगा, देखो 30 बोला जाता है, एक बंद रहती है, 29 केव्स दिखता है, 4 चैत्याज है एंड रेस्ट विहाराज हैं, ठीक है, 29 है, समटाइम्स कंसिडर्ड 29, ये मैंने लिखा है 30 केव्स से, लेकिन एक इनकम्प्लीट थी इसलिए इसको 29 माना जाता है, एक इनकम्प्लीट है लेकिन है 30, ओके। एंड उनमें से 4 चैत्याज हैं, बाकी विहाराज हैं। चैत्य और विहार में क्या डिफरेंस होता है, प्लीज डू टेल मी दैट। एलोरा की अगर हम बात करें तो 100 केव्स हैं जिनमें कि 34 जो है वो दे आर ओपन फॉर पब्लिक, ओके, तो 34 केव्स आर देयर विच आर ओपन फॉर पब्लिक एंड 100 केव्स हैं, एंड उसके बाद बाकी जो है हिंदुज़म की हैं कुछ केव्स, और 34 केव्स उनमें से ओपन है पब्लिक के लिए, कुछ केव्स हिंदुज़म के लिए हैं, कुछ केव बुद्धिस्ट केव्स हैं, ओके। एंड एक केव नंबर 10 जो है वो चैत्य है, बाकी सारी विहाराज हैं, ओके। सो दिस इज़ द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। उसके बाद हम बात करें कि जो रिलीजन है कौन सा रिलीजन फॉलो होता है, तो अजंता का तो इंटायरली बुद्धिज्म रिलीजन पे बेस्ड है, इंटायरली बुद्धिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एलोरा में हिंदुज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म तीनों की छवि आपको देखने को मिल जाएगी। पेट्रोनेज जो थी वो सत्वहनाज, वकाटकाज एंड चालुक्यास की थी अजंता के लिए, और एलोरा के लिए राष्ट्रकुताज, कलचुरीज एंड चालुक्यास की थी, ओके, एंड यादवास की भी थी। तो ये आपको याद रखना है कि पेट्रोनेज जो थी वो सत्वहनाज की अजंता के लिए थी, लेकिन सत्वहनाज की एलोरा में नहीं थी, वकाटकाज की अजंता में थी लेकिन वकाटकास की एलोरा में नहीं थी, चालुक्यास की दोनों में थी, और बाकी जो एलोरा में थे वो थे राष्ट्रकुताज और कलचुरीज। तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन की क्रोनोलॉजी बात करें तो 2nd century 1st century BC में बनाया गया, थोड़ा हीनयान फेज बोला जाता है, फिर 5th century 6th century AD बनाया गया जिसको महायान फेज बोला जाता है, ये अजंता की हम बात कर रहे हैं। एलोरा की बात करें तो 550-600 AD के बीच में बनी हिंदू फेज जो था, 600-730 AD में बुद्धिस्ट फेज बना, और इसके बाद 730-950 AD में आपका जैन फेज बना, ठीक है ना। मेजर जो अट्रैक्शन है वो पेंटिंग आर्किटेक्चर है अजंता में, और एलोरा में है आर्किटेक्चर स्कल्पचर, स्पेशली जो कैलाशनाथ टेम्पल है एलोरा का, तो कैलाशनाथ टेम्पल भी आपका एलोरा में है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स एज वेल। अजंता एलोरा के बारे में आई होप मैंने जस्टिस किया और आपको समझाने में सफल रहा हूँगा। केओस इन टोल प्लाजाज ओवर फास्टैग रोल आउट, ये मैंने आपको बता दिया है। फास्टैग के बारे में आप सबको पता है कि फास्टैग 5 साल के लिए वैलिड है, 5 ईयर्स का वैलिडिटी पीरियड है। IRFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी से फास्टैग जो बार कोड रहता है उससे, उसमें आपका बैलेंस रहता है, उससे बैलेंस ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता है, यही फास्टैग है। लेकिन रोल आउट में प्रॉब्लम्स क्या हुई कि फास्टैग्स के जो कार्ड थे वो पुअर क्वालिटी के थे, पुअर क्वालिटी का था इसलिए डिडक्शन नहीं हो पाया, उसके अलावा कुछ में बैलेंस कम था, लो बैलेंस वॉज द प्रॉब्लम, देन रॉन्ग लेन्स, व्हीकल्स वर एंटरिंग इन टू रॉन्ग लेन्स, ये सारे इशू जो थे जिसकी वजह से फास्टैग का जो रोल आउट है उसमें दिक्कत देखने को मिली। ऑफिशियल स्केप्टिकल ऑफ मेकिंग 45 वंदे भारत रेक्स इन 2 ईयर्स, तो कल मैंने आपको बताया था कि लगभग 720 कोचेस बनाने की बात की जा रही है इन 2021-22 वंदे भारत एक्सप्रेस की। तो ये इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री जो आपका कहाँ पर है, चेन्नई में है, ओके, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, वहाँ पे इसको बनाने की बात की जा रही थी। तो वहाँ पे जो स्पेशलिस्ट है उन्होंने कहा है कि बहुत मुश्किल होगा इसको बनाना, 45 के आसपास ट्रेन्स बनेंगे और 720 कोचेस बनानी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक हेप्टिक टास्क है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अब वही वाली बात है, वंदे भारत के बारे में पता है, इट्स फर्स्ट इंजनलेस ट्रेन, इसको नेक्स्ट जनरेशन शताब्दी भी कहा जाता है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने इसको बनाया है, इसमें कोई भी लोकोमोटिव नीड टू पुल द कोचेस, इट इज सेल्फ प्रोपेल्ड, मैंने बताया था कि हर जो कोच रहेगी उसके जो टायर्स रहेंगे उसमें अलग अलग तरीके से मोटर लगे रहेंगे जो कि ड्राइव होंगे ई ट्रैक्शन के प्रिंसिपल से, या फिर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बोला जाता है उसको, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो अपने आप वो मोटर घूमेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, एंड नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल यूज़ होता है, वहाँ से फिर मोटर रन करेगा, इंडक्शन मोटर रहेगा, ठीक है ना। तो ये ई ट्रैक्शन का प्रिंसिपल होता है। तो ये था वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। ED जीरोज इन ऑन एसेट लिंक टू दीपक तलवार इन FCRA केस, तो यहाँ पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की, FCRA एक्ट की बात कर रहे हैं।
FCRA एक्ट क्या है बेसिकली, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए फॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन आता है, जो विदेशों से पैसा आता है, चाहे वो NGOs के लिए आ रहा हो या किसी और दूसरे काम के लिए आ रहा हो, तो उसका रेगुलेशन करता है बेसिकली FCRA एक्ट, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है वो उसका रेगुलेट करता है। अभी बेसिकली दीपक तलवार से रिगार्डिंग कुछ जो लॉबीस्ट हैं दीपक तलवार, उनकी जो पहले एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ पे कुछ पैसा आया है जो कि ईडी जिसकी जांच कर रहा है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को देखता है इंडिया में, ये आप सबको पता होना चाहिए। तो बेसिकली वही वाली बात है कि वो ये देख रहा है कि अब इसका क्या होगा, इस जो कंट्रीब्यूशन आया है दीपक तलवार के एनजीओ का, तो उसका क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा मैं रूल्स बता देता हूँ क्या है फॉरेन कंट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग। तो FCRA जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट आया था 2010 में, रूल्स फ्रेम्ड हुए थे, इनको FCRA एक्ट भी कहा जाता है। बेसिकली NGOs जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेती है, मतलब जो NGOs इंडिया में है और बाहर से जिनका पैसा आ रहा है, उनको रेगुलेट करने के लिए ये FCRA एक्ट आया था। इसका बेसिकली इंटेंट क्या है, इंटेंट ये है कि ऐसा कोई पैसा नहीं आना चाहिए फॉरेन से जो कि यहाँ की पॉलिटिक्स को या यहाँ के जो यहाँ की सॉवरेनिटी है उसको अफेक्ट करे, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, यहाँ की नेशनल यूनिटी इंटीग्रिटी को अफेक्ट करे, ऐसा कोई पैसा नहीं आना चाहिए। मतलब बाहर से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग होके ना आए, या बाहर से कोई ऐसा पैसा ना आए जिसका यूज़ इंडिया को ही तोड़ने में, इंडिया की ही यूनिटी इंटीग्रिटी को तोड़ने में उसका यूज़ किया जाए। तो ये FCRA देखता है बेसिकली। ये इंप्लीमेंट होता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को इंप्लीमेंट करती है। और कई जगहों पे इसका पैसा अलाउड नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर इलेक्शन ऑफ अ जज, जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, कार्टूनिस्ट, अदर, है ना, इट प्रोहिबिट्स द एक्सेप्टेंस एंड यूज ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर दीज थिंग्स, है ना, या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के लिए भी मना करता है। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी डिफरेंट है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन से, हॉस्पिटैलिटी कुछ और चीज़ होती है। हॉस्पिटैलिटी मतलब आपकी लॉजिंग की व्यवस्था कर दी जाए, आपको ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कर दी जाए, ये सारी चीज़ें, मेडिकल सपोर्ट आपको इस तरह का दिया जाए, तो ये हॉस्पिटैलिटी में आता है। बट अगर जज का इलेक्शन होना है, जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट एंड इन सब न्यूज़पेपर पब्लिकेशन के लिए फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोहिबिटेड है फॉर दीज थिंग्स, है ना, एंड ये याद रखना आपको बेसिकली। The Act permits only NGOs having definite cultural, economical, educational, religious and social programs to accept the foreign contributions. तो केवल वो NGO जो कि basic cultural, economic, educational, religious या social program run कर रही है उनके लिए allowed है। वो भी काफ़ी ज़्यादा एक certificate लेना पड़ता है पहले उस NGO को, जब वो certificate ले लेगा तभी उस NGO को पैसा लेने के लिए allowed होगा। कोई भी ऐसा pressure group या political affiliation रखने वाली उसको allowed नहीं है foreign contribution, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है रिगार्डिंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। एंड्रॉइड वल्नरेबल टू साइबर अटैक, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि एक बेसिक बग है जिसने कि मतलब जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे मैलवेयर जो ऐप्स रहते हैं वो असली ऐप की तरह बिहेव करते हैं। जैसे आपका एक मालवेयर फेसबुक रहेगा और उस मालवेयर में आप अपनी डिटेल्स जब डालोगे तो वो ऑलरेडी दूसरे के पास चली जाएगी, या फिर आई मोबाइल या जो योनो ऐप है इस यहाँ पे अगर अपनी डिटेल डालते हो आप तो वो कॉपी कर ली जाएगी उस ऐप के थ्रू। तो अगर स्ट्रैंड हॉग बग आपके में आ गया है तो बहुत सारे फेक ऐप्स हैं जो कि रियल ऐप की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। नाम ज़रूर याद रखना, व्हाट इज़ द स्ट्रैंड हॉग, इस तरह से यूपीएससी पूछ सकता है कि स्ट्रैंड हॉग वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली, व्हाट इज़ इट, तो याद रखिएगा इट्स अ बग विच अफेक्ट्स द एंड्रॉयड फोन्स, ओके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखना। ये इन्फॉर्मेशन जो आई है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने दी है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जैसे ये तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है तो ये बना कब था और इसका क्या मैंडेट है, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। आप बताइए, नहीं बता पाएंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, तो आपको बताना इसका मैंडेट क्या है, कब बना था। एडिटोरियल्स पे आते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। द डिस्टिंक्ट क्राई ऑफ एन इम्पेरिल्ड फ्रंटियर, अब ये बात चल रही है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, जिसमें कि ऑथर ने बोला है कि देर आर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और ये कोई ऐसा कंसर्न नहीं है जो एक दिन में दो दिन में चला जाने वाला है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा कंसर्न है एंड इट इज़ अ कंसर्न फॉर द होल इंडिया। सबसे पहली बात ऑथर ने क्यों ऐसा बोला है, सबसे पहले ये इसलिए बोला है कि इट क्रिएट्स एन एटमोसफियर ऑफ इस्लाम फोबिया, एक तो इस्लाम फोबिया का एटमोसफियर क्रिएट हो गया, दूसरा चीज डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है इस लॉ का, ओके, डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है। अगला ऑथर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि नॉर्थ ईस्ट में इतना ज्यादा बॉइल क्यों हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में इतना ज्यादा क्यों आपको देखने को मिलेगा। तो पहली चीज तो ऑथर ने कही, जैसे असम का एग्जांपल ले लो,
नागालैंड का एग्जाम्पल ले लो, या बहुत सारे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, मेघालय का एग्जाम्पल ले लो, जहाँ पे जो कि स्पेशल स्टेटस स्टेट्स कहलाते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ने खुद इनसे वादा किया हुआ है कि आपका जो जो सरीन वो है, आपका जो ट्रेडिशनल कल्चर उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी जो मतलब आपको जो सेपरेट रहने का जो रीज़न था उसको हम बना के रखेंगे और आपको इस तरह से मर्ज नहीं होने देंगे, आपकी आइडेंटिटी को मेंटेन रखा जाएगा। तो बेसिकली एक सबसे पहला रीज़न ये कि सारे स्पेशल स्टेट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में रीजन में रहते हैं, और अगर इस तरीके से आप अलाउ कर दो कि डिस्क्रिमिनेटरी नेचर से, तो कहीं ना कहीं उनकी जो सेरेनिटी है या उनकी जो अलूफनेस है, जो उनका आइसोलेशन है, वो हट जाएगा और वहाँ की जो ओरिजिनलिटी थी वो नष्ट हो जाएगी। एक ऑथर ने बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया कि जो वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल जो लोकल लैंग्वेजेस हैं वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है, दे आर वेरी इन डेंजर्ड कंडीशन, एक्सटिंक्ट होने का खतरा भी वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस को है। और इनफैक्ट हमने बीच में एक न्यूज़ में पढ़ा भी था कि एक लोकल लैंग्वेज थी वहाँ पे जो कि एक्सटिंक्ट हो गई थी, है ना। तो आपने कई बार ये सुना होगा कि एक लैंग्वेज ही पूरी की पूरी एक्सटिंक्ट हो गई, मतलब अंतिम बोलने वाला भी ख़त्म हो गया। तो बेसिकली ये चीज़ हमको देखने के लिए कि कुछ बड़ी लैंग्वेज जैसे आसामीज, बंगाली, ये तो बची हैं, लेकिन जो बहुत सारी लोकल डायलेक्ट है वो वहाँ पे नष्ट होता जा रहा है, क्योंकि बाहर के लोग जो हैं उनको रिप्लेस करते जा रहे हैं, उनकी जगह लेते जा रहे हैं। तो इट इज़ द फियर ऑफ बिकमिंग माइनॉरिटी इन देयर ओन होमलैंड। एक फियर क्या है, बेसिकली बिकम अ माइनॉरिटी इन योर ओन होमलैंड, आप खुद के घर में माइनॉरिटी बन के रह जा रहे हो, तो ये बहुत बड़ा इशू है जिस कारण से नॉर्थ ईस्ट जो है वो बॉयल में है। दिस इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर अगला जो मैनी म्यूटनीज है, यहाँ पे भी वही बात चल रही है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात चल रही है। तो कई बार मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो दोबारा बार बार वही चीज़ बोलना, आई डोंट थिंक ये काम करेगा। असम क्यों बॉयल कर रहा है, क्योंकि असम अकॉर्ड का वायलेशन है, असम अकॉर्ड 1985 में साइन हुआ था और असम अकॉर्ड में जो कट ऑफ डेट थी वो 24th March 1971 थी, लेकिन अगर हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो उसमें जो कट ऑफ डेट है वो 31st December 2014 है। तो मतलब इतने सालों के जो बाकी के लोग हैं उनको भी अलाउ कर दिया जाएगा, 30 साल ज़्यादा आपको टाइम पीरियड दे दिया जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा लोग एक्स्ट्रा जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे सिटीजन बन जाएंगे। तो एक सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा रीज़न है डिस्क्रिमिनेटरी नेचर, जो इस्लामिक बेसिकली जो रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, दैट इज़ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इक्वालिटी। तो वो भी एक बहुत बड़ा मतलब दिखाता है कि आप एथनिक और रिलीजियस बेसिस पे आप इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। तो ये सारे कुछ इशूज़ हैं जो कि यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। स्पॉट द डिफरेंस बिटवीन साइन एंड सिंबल, देवदत्त पटनायक ने आर्टिकल लिखा है। इसमें बेसिकली अभी आपको पता है कि एक पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट जो है उसमें लोटस साइन यूज़ किया जा रहा है, ओके, लोटस साइन यूज़ किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे ऑथर ने ये कहा है बेसिकली यहाँ पे कि जो लोग हैं जो ह्यूमन क्राइम मचा रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि देयर इज अ डिफरेंस। आप ज़रूरी नहीं कि जो लोटस वहाँ बना है वो केवल एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं थोड़ा को एक बता देता हूँ कि हो हल्ला इतना क्यों हो रहा है, इतनी लड़ाई क्यों हो रही है, कि लोटस आप सबको होता है, लोटस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बीजेपी। लोटस जो है बीजेपी का रिप्रेजेंटेटिव है, है ना, उनका पार्टी सिंबल है। एंड लोटस का यूज़ जो पासपोर्ट में किया जा रहा है वो ये बोल रहे हैं कि ये सिक्योरिटी फीचर है, एडेड सिक्योरिटी फीचर है। तो लोटस ही क्यों, मेरा तो ये सवाल था कि लोटस इज क्यों, लोटस ही क्यों, है ना, आपने वही क्यों यूज़ किया, आपको नहीं यूज़ करना चाहिए था। तो आप एक तरीके से ऑथर ने ये बोला कि जो मेरा क्रिटिक है बेसिकली, जो बाकी जो क्रिटिक कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इट्स अ वही जो सेफरनाइजेशन है उसकी तरफ ये बढ़ रहा है कि कंट्री की, कंट्री का सेफरनाइजेशन करना है। तो ये है, ऑथर ने सिंबल साइन में ये डिफरेंस बताया कि साइन जो होता है वो पर्टिकुलर होता है, किसी एक चीज़ के लिए होता है, लेकिन जो सिंबल होता है वो अलग अलग चीज़ों के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप पंजा बनाते हो तो पंजा केवल कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करता, पंजा बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा जैसे रेड सिंबल है, तो रेड कहीं ना कहीं फर्टिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, रेड कहीं ना कहीं अगर ट्रैफिक लाइट्स में जाओगे तो स्टॉप को भी रिप्रेजेंट करेगा, चाइना में रेड जाओगे तो माओ ज़ेडोंग की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करेगा, कम्युनिज्म को रिप्रेजेंट करेगा। तो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। तो यही ऑथर ने बोला कि जो लोटस है वो लोटस अगर आप देखो तो बुद्धिस्ट और जैन्स में भी एक सिंबल है और पार्टी का सिंबल है, तो अलग अलग चीज़ें मीन करता है। और यही चीज़ ऑथर ने बोली साइंस, लेकिन बेसिक आपको क्रिटिक याद रखना है, न्यूज़ याद रखनी, पहले तो पासपोर्ट में लोटस सिंबल, दूसरा उसका थोड़ा अगर क्रिटिक लिखने के लिए आ गया तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये पार्टी का सिंबल है, तो इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए पॉलिटिसाइजेशन, आपको किसी आईडी का नहीं होना चाहिए।
प्रोबिंग द पुलिस। अब ये जो न्यूज है बेसिकली ये हैदराबाद इनकाउंटर के रिगार्डिंग है। अभी आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नई इंक्वायरी कमीशन बना दी है फॉर हैदराबाद इनकाउंटर्स, और ये ऑथर के अकॉर्डिंग एक अच्छा डिसीजन है कि एक इंक्वायरी कमीशन तो होना ही चाहिए था, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें जो है एक क्रेडिबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है जस्टिस के ऊपर, ये क्रेडिबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है लॉ के ऊपर। लॉ सुप्रीम होना चाहिए, ना कि लॉ को अपहोल्ड करने वाले सुप्रीम होने चाहिए। सो दिस इज द बेसिक आर्ग्यूमेंट गिवन बाय द ऑथर। पहली चीज़ तो लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी क्यों है यहाँ पे। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस के हथियार लेके भागता है, स्नैच करता है वेपन, तो उसके लिए FIR होनी चाहिए। अलग से IPC सेक्शंस हैं, बने हैं, आप उनके थ्रू एक्ट करते हैं, ना कि उनको इस तरह से मार देते, ऐसा ऑथर का कहना है, नॉट मी। अगली चीज़ ये कि ये क्लियर नहीं कि इज इट अ इनकाउंटर और कस्टोडियल डेथ। देखो इनकाउंटर कब होता है, इनकाउंटर तब होता है जब दो पार्टी, जैसे ये पुलिस पार्टी है फॉर एग्जांपल, ये पुलिस है और ये यहाँ पे क्रिमिनल्स हैं, दे आर फेसिंग ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ वेपन कॉम्बैट। अब वेपन कॉम्बैट में पहली बार मिल रहे हैं दूसरे से और इन्होंने गोली चलाई और ये मर गए, तो ये इनकाउंटर कहलाएगा। लेकिन अगर एक बार ये अरेस्ट हो चुके हैं, अरेस्ट हो गए, फिर तो ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि ये इनकी कस्टडी में आ गए, नाउ दे आर अंडर द कस्टडी ऑफ पुलिस। कोई पहला दिन तो नहीं था, तो ये उनकी कस्टडी में थे, तो ये नहीं क्लियर है कि क्या हम इसको इनकाउंटर बोलेंगे या कस्टोडियल डेथ बोलेंगे, क्योंकि आप अपने हथियार नहीं सुरक्षित रख पाए, इसमें किसकी गलती है, आपकी गलती है ना, आपके हथियार कैसे उन्होंने निकाल लिए और कैसे लेके भागने लगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इनकाउंटर या कस्टोडियल डेथ में बहुत बड़ा डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। एंड पहली चीज़ को यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये कर सकता था कि इसको किसी और दूसरी एजेंसी को ट्रांसफ़र कर देता, बट इट हैज़ चूजन अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी रूट, एक इंक्वायरी कमीशन बनाई है। लेट्स सी कि क्या होता है 6 महीने के बाद, क्या रिपोर्ट आती है, कैसा देखते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा आई होप। इन ब्रिटेन देयर इज लॉट टू गेट डन। अब बोरिस जॉनसन ने चुनाव जीता है, कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, आप सबको पता है ये सारी चीज़ें। एंड क्या क्या उनके सामने चैलेंजेस है उसकी बात की गई इस आर्टिकल में, कि क्या क्या चैलेंजेस बोरिस जॉनसन फेस करते हैं। सबसे पहला जो चैलेंज है वो है ट्रांजिशन पीरियड का। क्यों ट्रांजिशन पीरियड का चैलेंज है, बिकॉज ब्रिटेन में ब्रेग्जिट होने वाला है, EU से अलग होने वाले हैं, तो किस तरीके से ट्रांजिशन में इकोनॉमी काम करेगी, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा बोरिस जॉनसन के सामने। दूसरा है निगोशिएटिंग द डील। EU से अगर आपको अलग होना है तो आपको प्रॉपर एक डील चाहिए जो कि आपके बेनिफिट में रहे, आपके हित में रहे, तो ये भी बोरिस जॉनसन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि वो कैसी डील करने में सफल रह पाएँ जो कि उनके लिए बेनिफिशियल हो। तीसरा है रिसेशन। कुछ इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि ब्रेग्जिट होने के बाद जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ब्रिटेन की, या ब्रेग्जिट के समय ही अभी जो देखो आप, तो वो रिसीड कर रही है, यानी घटती जा रही है, और ज़्यादा ट्रिगर हो जाएगी वंस द ब्रेग्जिट इज कंप्लीटेड। तो ये बहुत बड़ा इशू रहेगा कि किस तरीके से इकोनॉमी को दोबारा उठाएंगे। देन पोलराइज्ड पॉलिटिक्स। तो ये जो ब्रेग्जिट है इसने पूरी जो पॉलिटिक्स है उसको पोलराइज कर दिया है, पूरा एक अलग अलग ग्रुप्स बना के ध्रुवीकरण हो गया है बेसिकली। तो ये बहुत बड़ा इशू है ये भी कि कैसे इसको हैंडल करेंगे बोरिस जॉनसन। ओके आगे मूव करते हैं, देखते क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। ऊपर मैंने RTI वाली न्यूज़ अभी नहीं बताई आपको, क्योंकि वो RTI हम डिस्कस कर चुके हैं, और कल फिर से ये न्यूज़ आएगी जब ज़्यादा अच्छी डिटेल में तो हम करेंगे। आज कोई न्यूज़ नहीं थी बेसिकली, सील्ड इनवेलप में गवर्नमेंट ने दिया तो कोई मतलब नहीं है। प्लीज़ इन सुप्रीम कोर्ट स्पीक ऑफ पास्ट जजमेंट। अब देखो मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है, उसका अपोजिशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब वहाँ पे जो प्ली आई हैं, पिटीशंस आई हैं अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, उसमें पुराने जजमेंट्स का बहुत ज़्यादा लेखा जोखा लिखा गया है, पुराने जजमेंट्स का बहुत ज़्यादा दिया गया है उसके बारे में, किस तरीके से पुराने जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया है, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या चीज़ है, पहले तो पिटीशन में ये बोला जा रहा है बेसिकली कि डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली कौन कौन से केसेस आए, जैसे होमोसेक्सुअलिटी का केस था, ट्रिपल तलाक का केस था, इन सारे जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ एन इंट्रेंसिक कोर आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ एन इंट्रेंसिक कोर आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। बीइंग मुस्लिम इज अ पार्ट ऑफ पर्सन्स कोर आइडेंटिटी। अगर कोई मुस्लिम है तो ये उसकी कोर आइडेंटिटी का पार्ट है और उसकी डिग्निटी का पार्ट है, तो हाउ कैन यू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ दिस। सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले जो होमोसेक्सुअलिटी और ट्रिपल तलाक में उन्होंने कहा था, उसी पॉइंट को बेसिस बनाते हुए पिटीशन में कहा गया। दूसरा है नवतेज सिंह जौहर केस जो था बेसिकली होमोसेक्सुअलिटी में, उसमें कंसेप्ट आया था आइडेंटिटी विद डिग्निटी। तो यहाँ पे जो बात है वही है कि अगर आप इस तरह से डिस्क्रिमिनेट करोगे दैन इट इज़ नॉट डिग्निफाइड फॉर द मुस्लिम, है ना, इट इज़ नॉट डिग्निफाइड, और ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। तो वेयर इज द कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी विद डिग्निटी इन दैट केस।
फिर उसके बाद ये है कि और जो पिटीशन में कहा गया कि इट रिमाइंडेड दैट रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ ये इंट्रिंसिक कोर एलिमेंट्स है इंडिविजुअल की आइडेंटिटी के अंदर आर्टिकल 15 ओके रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ तो अगर इनमें से किसी के बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन होता है देन दैट मीन्स द कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी कंसेप्ट ऑफ डिग्निटी इज नॉट देयर है ना तो डिग्निटी और आइडेंटिटी का कंसेप्ट बेसिकली उठाया गया है और आप इस तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते फिर एसआर बम्बई जजमेंट की भी बात की जाती है एसआर बम्बई जजमेंट की बात तो मैं आपको खुद बताता हूँ कि इंडिया में सेक्युलरिज्म जो है सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सेक्युलरिज्म जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है वो बना था एसआर बम्बई केस के बाद ही क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्टेट्स कैन नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन स्टेट्स किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं कर सकते तो इस केस में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के केस में हाउ कैन स्टेट्स फेवर अ पर्टिकुलर रिलीजन यहाँ पे क्योंकि अलग अलग छह रिलीजियस कम्युनिटीज़ को चुना जा रहा है तो इट इज़ वेरी शायरा बानो केस में भी जैसा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने शायरा बानो केस में ये कहा जो कि ट्रिपल तलाक केस है शायरा बानो केस अगर कभी पूछता है यूपीएससी क्या है तो शायरा बानो केस इज द ट्रिपल तलाक केस इसमें सुप्रीम कोर्ट तो शायरा बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अ लेजिस्लेशन विच इज मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी और कैप्रीशियस और इरेशनल और एक्सेसिव और डिसप्रोपोर्शनेट इट शुड बी स्ट्रक डाउन कोई भी ऐसा लॉ जो कि कैप्रीशियस हो इरेशनल हो एक्सेसिव हो या डिसप्रोपोर्शनेट है उसको स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए तो ऐसा उन्होंने कहा था तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि कौन कौन से केसेस का जिक्र किया जा रहा है होमोसेक्सुअलिटी ट्रिपल तलाक इन सारे केसेस का जिक्र किया जा रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को रोकने के लिए कहा जा रहा है कि मुस्लिम होना एक कोर आइडेंटिटी का पार्ट है आइडेंटिटी विद डिग्निटी का पार्ट है तो आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते आर्टिकल 15 भी यही बोलता है कि रिलीजन रेस सेक्स कास्ट प्लेस ऑफ बर्थ ये सारे जो है इंट्रिंसिक कोर एलिमेंट्स हैं और इनके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए फिर नवतेज सिंह जौहर केस जो कि होमोसेक्सुअलिटी का केस है उसके केस का जिक्र किया जाता है और एसआर बम्बई जजमेंट का जिक्र किया जा रहा है एसआर बम्बई में आपको मैंने बताया कि सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया था एसआर बम्बई जजमेंट में ही एसआर बम्बई जजमेंट केस में ही सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया था का पार्ट बनाया गया था ठीक है ना और शायरा बानो केस जो कि ट्रिपल तलाक केस के नाम से फेमस है इसमें भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे किसी भी लॉ को स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए जो डिस्क्रिमिनेट करे आर्बिट्ररी हो ओके जमैका टोनी एनसिंग बैग्स द मिस वर्ल्ड टाइटल तो जमैका की टोनी एनसिंग को मिस वर्ल्ड टाइटल मिला है 2019 का मिस वर्ल्ड टाइटल जमैकास टोनी एनसिंग को मिला है इसके अलावा इंडिया की जो सुमन राव थी शी वॉज द सेकेंड रनर अप ओके इंडिया सुमन राव वॉज द सेकेंड रनर अप सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट न्यूज आइटम्स ऑफ द डे आंसर्स मैं एक बार आपको बता देता हूँ जो क्वेश्चन मैंने आज पूछे तो उनके आंसर्स बता देता हूँ आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन AIIB में पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा गलत है क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट शेयर होल्डर नहीं है आई थिंक चाइना इज AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर आउटसाइड एशिया ये भी गलत है अब आउटसाइड एशिया भी मेंबर हैं तो 2-3 गलत हो गए केवल एक सही है आंसर विल बी A1 ओनली सेकंड क्वेश्चन हु हेड द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी इसका आंसर है सी प्राइम मिनिस्टर थर्ड क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड्स बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो इसका आंसर है पेइंग टैक्सेस है रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी है डीलिंग है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर तो ए विल बी द आंसर तो ADA ओके अदा ADA विल बी द आंसर दैट इज इट फॉर द डे आई होप यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे